नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube के चैनल डिजिटल जीवन में। आज मैं अपने ब्लॉग के अंतर्गत बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम कोई ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो ईमेल अकाउंट हम आज गूगल में क्रिएट करेंगे। अगर इसके अलावा आप दूसरे सर्विस में अपना ईमेल बनाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर मैसेज भेजिएगा। तो ईमेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें google.com खोल लेना है, क्योंकि हम गूगल में अपना ईमेल बनाएंगे। अब जीमेल में हम क्लिक करेंगे। देखिए, जीमेल, इमेजेस, साइन इन सब ऑप्शन है यहाँ पे। तो हम साइन इन अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं है। तो हम जीमेल में क्लिक करेंगे। जीमेल में क्लिक करने के बाद ये खुल रहा है। जो इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा उसमें हमें ऑप्शन आएगा लॉगिन करने के लिए। देखिए, ईमेल या फ़ोन लिख के आप नेक्स्ट कीजिएगा, फिर आपको पासवर्ड पूछेगा। तो चूंकि हमने अभी अकाउंट बनाया नहीं है इसलिए हम यहाँ पे अकाउंट अभी बनाएंगे। तो नीचे हम आते हैं, नीचे देखिए क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट में हम क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आ रहा है, फॉर माई सेल्फ और मैनेज माई बिजनेस। तो हम अपने लिए बना रहे हैं तो फॉर माई सेल्फ पे हम क्लिक करेंगे। अगर बिजनेस के लिए हम चाहते हैं, जैसे स्कूल हो गया, अपना शॉप हो गया, है ना, कोई दुकान है उसका बनाना है, तो हम बिजनेस में क्लिक करेंगे। वरना हम अपना पर्सनल बनाना चाहते हैं तो हम अपना नाम से देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में हमें अपना पहला नाम लिखना है। ठीक है, पहला नाम, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है अनिल कुमार, तो मेरा पहला नाम हो गया अनिल और लास्ट नेम हो गया कुमार। ठीक है, तो फर्स्ट नेम में मान लीजिए लिखते हैं हम आयुष और लास्ट नेम में लिखते हैं गुप्ता। ठीक है, अब यूज़र नेम, जो हम यूज़र नेम में लिखेंगे वही हमारा ईमेल का आईडी बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी हम लिखेंगे ऐसा नहीं है कि वो आपका ईमेल आईडी तैयार हो जाएगा। अगर अवेलेबल होगा तो ही ये बनेगा, अवेलेबल नहीं होगा तो आपको कुछ अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, यूज़र नेम मैंने ए गुप्ता लिख दिया है, पासवर्ड में डाल दे रहा हूँ। यूज़र नेम में ए गुप्ता एट जी मेल डॉट कॉम अगर बन जाता है तो इस नाम से होगा, ए गुप्ता एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। अब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, एक ही पासवर्ड दोनों बॉक्स में डालेंगे। अब नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये एरर आ गया जिसका डर था। ये देखिए, दैट यूज़र नेम इज़ टेकन, ट्राई अनदर। मतलब ये जो यूज़र नेम है वो पहले से लिया जा चुका है, हमें इस यूज़र नेम में कुछ ना कुछ चेंजेस करने होंगे। अब आयुष गुप्ता मैंने लिख दिया, नेक्स्ट कर रहा हूँ। अभी भी ये टेकन है, ये बना हुआ है किसी न किसी ने, लेकिन अवेलेबल हमें दिखा रहा है कि गुप्ता आयुष 519 जो है अवेलेबल है। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा ईमेल इस नाम से तैयार हो जाएगा। तो चूंकि मुझे ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसलिए मैं कुछ और इसमें कुछ और कॉम्बिनेशंस ट्राई करता हूँ। ये देखिए, फिर से नया एबिलिटी दिखाया है यहाँ, AG944980, है ना, ये है नया ईमेल आईडी। इसी तरीके से आप चेंज करते रहिएगा, कुछ कुछ लिखिएगा तो आपको नया नया अवेलेबल दिखाएगा। और जब नहीं दिखाने लगे तो समझिए कि जो दिखा रहा है अवेलेबल में अभी फ़िलहाल उसी को आपको सेलेक्ट करना होगा। उसी को आप, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वही आपका ईमेल बॉक्स में भरा जाएगा। एक और ट्राई कर ले रहा हूँ, लगता है यही अब हमें रखना होगा। ये देखिए, एक अलग आ गया। अब इसी को मैं चुन लेता हूँ, AG30342 14। आप जब अपना बनाएंगे तो नया नया कॉम्बिनेशन चेक कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे बनाना है। तो अब हम इसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उस मोबाइल नंबर पे गूगल आपको एक ओटीपी भेजेगा, उस ओटीपी को आपको फिर फिल करना है, तो वो पहचान पाएगा कि ये जो अकाउंट बन रहा है ये कोई वैलिड आदमी का अकाउंट तैयार हो रहा है। ठीक है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से मेरा मोबाइल नंबर दिखेगा नहीं, है ना। अब देखिए इंटर वेरिफिकेशन कोड, अब ये कोड आपके मोबाइल में चला गया होगा, जैसे मेरे मोबाइल में आ गया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको मैसेज अपना, मेरे मैसेज बॉक्स में एक मैसेज आया हुआ है, ये देखिए। इस पर क्लिक करने पे ये देखिए ऊपर में आ गया जी, है ना, और जो भी ओटीपी है 293154 इज़ योर गूगल वेरिफिकेशन कोड। इसको हमें उस अकाउंट में जहाँ पे बोला है भरना, यहाँ पे हम इसको फिल करेंगे 293154, अब वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद ये कंफर्म हो गया कि आपका मोबाइल नंबर सही है। आप ऊपर में देख सकते हैं ईमेल आईडी आपका तैयार हो रहा है ag3034214@gmail.com। इसके बाद मंथ डेट और ईयर, अपना डेट ऑफ बर्थ आपको डाल लेना है। अगर आप 18 साल से कम के हैं तो आपका ईमेल नहीं बनेगा, आपको ईमेल बनाने के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। मेल भर के हम आगे आ गए नेक्स्ट। अब यस आई एम इन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन जो है इसका गूगल का वो है, इसे एग्री कर लेना है। आई एग्री करने के बाद अब जो है वो हमारा ईमेल का इंटरफेस खुलेगा। ये लगभग हमारा ईमेल बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए लोडिंग जीमेल, देखिए ईमेल बन के तैयार हो गया, यहाँ पे वेलकम कर रहा है, तो नेक्स्ट कर देंगे। डिफ़ॉल्ट में ही हमें व्यू को रखना है, डिफ़ॉल्ट ही चीज़ सही है, और ओके कर देंगे। अब देखिए ये हमारा ईमेल बन के तैयार हो गया, इसमें पहला जो ईमेल है वो गूगल की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, अब जो भी कोई देखिए यहाँ क्लिक करने पर जो है ये देखिए ईमेल आईडी आपका दिखा रहा है ag3034214@gmail.com, और नाम है आयुष गुप्ता। बगल वहाँ कैमरे के बटन पे क्लिक करके आप अपना फ़ोटो भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। ये पोर्शन आया सेलेक्ट ए फ़ोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, इस पर क्लिक करेंगे तो आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनबॉक्स में हैं अभी हम, इनबॉक्स में कोई भी आपको मेल भेजेगा तो इनबॉक्स में ही आएगा मेल, है ना। और कंपोज से हम मैसेज भेज सकते हैं, अगर कोई ईमेल हम डिलीट करते हैं तो वो आपको ट्रैश में चला जाएगा। हाँ ट्रैश दिख रहा है आपको, ये कंप्यूटर के रिसाइकल बिन की तरह होता है, कुछ भी डिलीट करेंगे तो उसमें चला जाता है। अगर हमें किसी को ईमेल भेजना है ना, इन तो कंपोज में हम क्लिक करेंगे। कंपोज में क्लिक करने के बाद ये देखिए खुल गया न्यू मैसेज का बॉक्स, मतलब यहाँ से हम किसी को मैसेज भेज सकते हैं। तो मैं खुद के ईमेल आईडी में मैसेज भेज रहा हूँ यहाँ पे, asa8170@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है ना। अब चेक करता हूँ कि काम ये कर रहा है या नहीं प्रॉपर तरीके से। चेकिंग, अब मैं लिखता हूँ यहाँ हाय अनिल हाउ आर यू, ये देखिए ये चला गया, है ना। हाय अनिल हाउ आर यू, अगर कोई एरर मैसेज अगर नहीं जाएगा तो यहाँ पे आपको एरर दिखेगा। अब मैं अपने मोबाइल में भी देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो है मैंने जो
ईमेल भेजा उस अकाउंट से, सो मेरे अकाउंट में आया कि नहीं। यहाँ देखिए आयुष गुप्ता का नाम से आ गया है, चेकिंग है ना, हाय नील हाउ आर यू लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको रिप्लाई करना है तो नीचे रिप्लाई का बटन है, रिप्लाई पे क्लिक करेंगे और हम कुछ लिख सकते हैं। फॉरवर्ड कीजिएगा तो आप इसी मैसेज को किसी दूसरे के पास भी भेज सकते हैं। तो मैंने आई एम फाइन पे क्लिक करके वहीं से रिप्लाई किया है ना। देखिए ये चला गया। मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे इनबॉक्स में मैसेज आ जाएगा, अभी नहीं आया है। फिर से थोड़ा देर बाद मैं इनबॉक्स में क्लिक करूँगा, नहीं भी करिएगा तो थोड़ा देर में ऑटोमेटिक अपडेट होता है। ये देखिए आ गया ईमेल है ना, ए के एस शाह की तरफ से, आई एम फाइन। तो इस तरीके से हम ईमेल अपना बना सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।